जय हिंद दोस्तों, MR क्लास विद कॉन्सेप्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रेम गुप्ता। आज हम लोग दोस्तों विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जो कि मैं वीडियो 4 में आपको कराया था, उसके आगे थोड़ा लेवल थोड़ा हाई होगा दोस्तों, तो मैं आज उसके आगे कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन एन का स्क्वायर एक सूत्र होता था दोस्तों विषम के लिए। विषम संख्या का योग हमें अगर ज्ञात करना हो तो एन का स्क्वायर, मैंने आपको सूत्र बहुत डिटेल में समझाया था। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, वो हमारा पिछला वीडियो देखे, यानी 3 नंबर का या 4 नंबर का वीडियो है दोस्तों, पार्ट 3 या 4 है, उनको आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब हमारे पास सवाल ये है, इसको कैसे सॉल्व करें, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, 23, 25, 27 से 71 तक के विषम संख्या के योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या का योग मुझे ज्ञात करना है, तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे, n का स्क्वायर, n मुझे मानना है, यहाँ देखिए दोस्तों 70 है, तो n क्या होगा, मैंने आपको n निकालने बोला था, इसमें क्या होता है n 71 71 से पहले क्या आता है 70, तो इससे पहले जो आता है वो मुझे लिख लेना है 70। अब 70 में कितने सम होंगे और कितने विषम होंगे ये मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में कितने सम कितने विषम होंगे उसको आप उस संख्या 2 से भाग दे दीजिए। जैसे 70 है दोस्तों, तो 70 को 2 से आप भाग दीजिए तो कितना होगा दोस्तों 35, 35 × 70, तो दोस्तों 35 क्या हो जाएगा विषम, सॉरी, एंड 35 क्या हो जाएगा सम। यानी कि दोस्तों, अब आपको यहां ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, क्या कि मैंने मुझे यहां पूछा है 23, 25, 27 से 71 तक की विषम संख्याओं का योग, लेकिन मैंने क्या निकाला है दोस्तों 70। 70 35 विषम संख्या और 35 सम संख्या है, ये 70 कहां तक का दोस्तों, तो ये 70, सॉरी, ये देखिए ये 70 1 से 70 तक के संख्या के बीच सम और विषम संख्या है। यानी दोस्तों, मैंने 70 तक 35 विषम और 35 सम निकाला है, तो इसका मतलब है कि 1 से 70 तक के बीच जितने भी सम और जितने भी विषम है वो मैंने काउंट करके निकाला है। तो दोस्तों, 70 तक में 35 सम संख्या आएंगे, सॉरी विषम संख्या आएंगे और 35 सम संख्या आएंगे। ये आप मेरे पिछले वाले वीडियो से आप समझ चुके होंगे, अब फिर से ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 71 तक पूछा है, तो विषम कितने हो जाएंगे दोस्तों 35 + 1 = 36 विषम संख्या होगा। दोस्तों, 36 विषम संख्या तो होगा, लेकिन कहां से कहां तक, तो दोस्तों 1 से 70 तक के बीच सम और विषम संख्या कितने हैं, सॉरी 35 था और विषम कितना था 35 था, लेकिन 71 तक पूछा है, तो 71 तक कितने हो गए, सम तो दोस्तों 35 ही रहा, लेकिन विषम, चूंकि 71 एक खुद विषम संख्या है, तो विषम कितने हो गए 35, तो पहले से थे ये देखिए, और +1 हो गया 36, तो विषम कितने हो गए 36, विषम संख्या कितने होंगे 36। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने 1 से 71 तक 36 विषम संख्या निकाले हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने पूछा कहां है, कहां से है, 23 से पूछा है। तो मैं दोस्तों पहले क्या करूंगा, इसको मैं, सॉरी, यहां बताता हूं, पहले 1 से 71 तक के
विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर ले। पहले क्या करें, एक से 71 तक के विषम संख्या का योग, दोस्तों योग, और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको बिगाड़ दूं, आप लोग देख लीजिए ठीक से, नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, नहीं सॉरी डिस्टर्ब हो जाएगा, आगे आपको समझने में फिर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, का योग माइनस, माइनस क्या दोस्तों, मुझे 23 से 25 27 तक का पूछा है, तो 23 से पहले क्या आता है, एक से अगर देखें 23 तक तो 22, तो दोस्तों माइनस एक से 22 तक के विषम संख्या का योग। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई, मैंने आपको थर्ड वीडियो में ये चीज समझाया था, कोई मान लीजिए लाइन है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ओके दोस्तों, और मुझे पूछ रहा है यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ अगर पूछ रहा हो और दिया हुआ हो यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो, ठीक। तो दोस्तों देखिए, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर है, यहां यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहां से यहां कितने 2 सेंटीमीटर होंगे, क्यों, इस पूरे में से यहां तक को हटा देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, यही बच जाएगा ना, तो 5 - 3 = 2, तो यहां वाला भाग मुझे ज्ञात 2 हो गया। तो मैं वही काम इसमें कर रहा हूं, एक से 71 तक, 71 तक जितने भी विषम संख्या है दोस्तों, उन सभी को जोड़ लेंगे। विषम संख्या को जोड़ने के बाद एक से कहां तक, 23 सा चाहिए, तो 1 से 22, 1 से 22 तक के विषम संख्या का जोड़ निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, 1 से 71 तक विषम संख्या का जोड़ जितना निकला है उसमें से में से इतना घटा देंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां काम आ रहा है दोस्तों। और मैंने ये थर्ड वीडियो में भी अच्छे से समझाया है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करा है मैंने, तो आप थर्ड वीडियो मेरा जरूर देखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इतना समझाने पे आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, 1 से 71 तक के विषम संख्या का योग, तो दोस्तों 71 तक, 71 तक में सम कितने हुए, तो सम 35 हुए, और 71 तक में विषम कितने संख्या है, तो 36 है, और मुझे पता है सूत्र क्या होता है, n का स्क्वायर, तो मुझे 36 का स्क्वायर करना होगा। 36 का आप जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो देखिए मैं आपको गुना करना भी सिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए 36/36 लिख लीजिए। हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ट्रिक तो आप सीख के फिर अप्लाई कर ही लेंगे, तो दोस्तों मैं सिंपल बच्चों वाला जोड़ घटा गुणा करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे आप कर सकते हैं, 6×36, हाथ में रहा 3, और ये 6×18 और 3 21, इंटू 6×18, हाथ में रहा 1, 3×9 1+, दोस्तों 6×8 1+9 2+1, तो हमारा यह कितना आएगा दोस्तों, 1296। तो मैंने इसका वर्ग किया तो इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद दूसरा क्या है, -1 से 22 तक के विषम संख्या का योग, 1 से 22 तक के विषम संख्या का योग n का स्क्वायर बराबर 22 तक, देखिए दोस्तों 22 तक, एक से 22 तक कितने सम और कितने विषम होंगे, विषम ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था, इसको 2 से भाग दीजिए, आप 2 से भाग देंगे तो कितने आएगा, 11, तो दोस्तों 11 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी कि टोटल कितने हुए, सम संख्या कितने हुए 11 और विषम कितने हुए 11। उम्मीद है समझ में यहां तक आया होगा, 1 से 22 तक सम कितने संख्या, 11 सम संख्या है और विषम 11 है,
अब क्या करें दोस्तों, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर तो यहां मुझे विषम संख्या लेना है, तो विषम कितने हैं, 30, 22 तक, 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली 121 आएगा, लेकिन देखिए आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं, इसको करिए मल्टीप्लाई, 1 1 इंटू 1 1, ये देखिए 1 2 1, 121। दोस्तों ऐसे आप कर लीजिएगा शुरुआत में, अगर आप पहली बार कंपटीशन का ही तैयारी करने आए हैं तो आप ऐसे करिएगा। इतना आने के बाद मैंने क्या करा था दोस्तों, 1 से 71 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करा था जो कि इतना आया। फिर मैंने क्या करा, 1 से इसके इधर वाला, दोस्तों इसके इधर वाला देखिए, 1 से कहां तक, 22 तक, 22 तक के विषम संख्या का योग तो कितना है दोस्तों, तो मैंने यहां निकाला है कितना, 121। घटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पे 1 2 9 6 - 1 2 1। अब इसको अगर घटाएंगे दोस्तों, ये तो आसान है, ये उम्मीद है आप घटा ही लेंगे, बहुत आसान है ये, नहीं तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, देखिए 6 1 सॉरी 1 2 1 ऐसे लिख लीजिए, फिर घटाइए 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये रहा 1। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 1175, 1175 दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा, बहुत सिंपल सा बात है कि 1 से 71 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात कर लिया, फिर 1 से ये कितना 23 तक मांग रहा है, तो उससे पहले 22, 1 से 22 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करके 1 से 71 तक के विषम संख्या के जो योग प्राप्त हुआ था उसमें से मैंने घटा दिया, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों 1175 आपका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अब देखिए दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, इसमें ये एकदम आपको लग रहा होगा दोस्तों ये नया टाइप है, लेकिन ये नया टाइप नहीं है, मैं आपको सेकेंड वीडियो में, शायद सेकेंड वीडियो में मैं आपको इस टाइप का करा चुका हूँ, फिर भी देखिए आप ये क्वेश्चन देने का ढंग सिर्फ अलग है दोस्तों। इससे पहले जब मैंने करा था तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 6 9 12 ऐसे दिया हुआ था, आपको जोड़ के पूछ रहा था, लेकिन इस बार इसी चीज को उसने लैंग्वेज में लिख दिया। दोस्तों क्या लिखा है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपके मन में आता है ये गुणज क्या होता है भैया, तो गुणज दोस्तों कोई भी, जैसे देखिए उदाहरण, आप उदाहरण समझिए, 2 का 3 गुणज, तो गुणज का मतलब होता है दोस्तों उस चीज में कंटिन्यू गुणा कर दीजिए, जैसे 2 का प्रथम 3 गुणज, ये बोलेगा 3 गुणज, तो 3 गुणज कुछ भी हो सकता है, प्रथम 3 गुणज। दोस्तों आगे मैं गुणनखंड और गुणज का एक चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं गुणज क्या होता है। फिलहाल आप देखिए जैसे 2 का 3 गुणज, तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 3 बराबर 6। यानी गुणज दोस्तों वो होता है जिस संख्या का गुणज बोले उस संख्या में किसी भी प्राकृतिक संख्या से आप गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वो उसका गुणज होगा। अगर आपको बोले 10 का गुणज, सिर्फ बोले 10 का गुणज, तो 10 का गुणज दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 10 × 5 = 50, 10 × 100 = 1000। तो दोस्तों जिसका गुणज बोले उसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या से आप गुणा कर दीजिए तो वो उसका गुणज हो जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने एक शब्द लगाया है यहाँ पे, 3 के प्रथम गुणज अगर आ गया है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको उस संख्या में 1 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से फिर 3 से, यानी प्रथम शुरुआत से, शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि जो संख्या दिया उसका आप पहाड़ा पढ़ते जाइए।
तो यानी छह तीन के प्रथम दस गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो तीन का प्रथम दस गुणज क्या होगा? तो पहला तीन गुना एक बराबर तीन, दूसरा तीन गुना दो बराबर तीन दुनी छः, फिर तीन गुना तीन बराबर तीन तिया नौ। तो इस तरह है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं तीन का तीन, तीन दुनी छः, तीन तिया नौ, ये क्या होगा, एक तरह से पहाड़ा हो गया दोस्तों। तो ये पहाड़ा ही है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको ऐसे लिखना है दोस्तों, देखिए इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं दोस्तों। उन्होंने कहा क्या कहा, तीन के प्रथम दस गुणज, तो तीन के पहाड़ा पढ़िए तीन का तीन प्लस तीन दूनी छः प्लस तीन तिया नौ प्लस तीन चौके बारह प्लस तीन पचे पंद्रह प्लस तीन छके अठारह प्लस तीन सत्ते इक्कीस। इसी तरह तीन सत्ते इक्कीस यानी कि तीन गुना सात तभी इक्कीस आया, तीन छके अठारह तीन गुना छः तब अठारह आया है, तीन पचे पंद्रह तीन गुना पाँच तब पंद्रह आया है, तीन चौके बारह तीन गुना चार तब बारह आया है, इसी तरह तीन तिया नौ तभी तीन आया है, तीन दूनी छः तभी छः आया है, तीन इक्कम तभी तीन आया है। तो दोस्तों अब दस तक दिया है, तो हम इसी तरह आगे करते जाएंगे। एज्यूम कर ले रहे हैं कि आपको इतना लंबा नहीं करना है क्वेश्चन, आप अगर कंपटीशन में कर इतना लंबा थोड़ी करने जाएंगे, तो आप तीन तीन दूनी छः तीन तिया नौ तीन छके बारह तीन पचे पंद्रह ऐसे कर दीजिएगा और डॉट डॉट कर दीजिएगा, चूंकि दस तक पूछा है यानी कि दस तक गुना करना है। तीन इक्कम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पचे पंद्रह, तीन छः अठारह, तीन सत्ताईस इक्कीस, फिर तीन अठे चौबीस, तीन अठाईस, फिर तीन नवा सत्ताईस, फिर तीन दाही तीस, यानी कि क्या हुआ, तीन गुना दस, जैसे तीन गुना सात तीन सत्ते इक्कीस, उसी तरह तीन गुना दस करेंगे हम दोस्तों, तब आ जाएगा हमारा कितना तीस। तीन गुना दस करेंगे तभी यहाँ पे तीस आएगा दोस्तों। तो आप इसको ऐसे लिखिए यहाँ पे तीस, और ये क्या होगा तीन गुना दस, क्योंकि तीन के प्रथम दस, एक से मैंने शुरू करा दस तक, तो तीन गुना दस तीस हो गया दोस्तों। आप इतना बात समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों ये इस फॉर्म में आ गया, तीन प्लस छः प्लस नौ प्लस बारह प्लस पंद्रह प्लस अठारह, इसी तरह करते करते आगे तीस तक। दोस्तों इसको मैंने आपको सॉल्व करना पिछले वाले वीडियो में सिखाया था, फिर से देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें से कॉमन कुछ लेना पड़ेगा, कॉमन क्या लेंगे आप, यहां आपको दिख रहा है साफ साफ, देखिए दोस्तों आपको साफ साफ ये दिख रहा है, क्या है ये, तीन गुना एक, तीन गुना दो, तीन गुना तीन। तो यानी दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या मुझे मिल रहा है एक रेगुलर फॉर्म में, देखिए मिल रहा है ना, देखिए इसी तरह आगे आप करते करते दस तक ये रेगुलर फॉर्म में मिल रहा है। तो मुझे इससे क्या आइडिया मिला कि हम तीन सब में कॉमन है, तो तीन को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तीन को कॉमन अगर निकाल दें, तो अब देखिए ये क्या है, ये है एक इंटू तीन, तो इसमें से तीन कॉमन चले गया, क्या बचा एक, प्लस का निशान है प्लस, ये छः क्या होता है, तीन गुना छः, देखिए दोस्तों तीन गुना छः, इसमें से तीन ये कॉमन यहाँ चला गया, क्या बचा है दो, तो प्लस का दो। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सब में गुना होगा, तीन को इससे गुना करेंगे तीन, फिर प्लस तीन को इससे गुना करेंगे तो तीन दूनी छः, यही वापस से आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह ये तीन तिया नौ होता है, इसमें से एक तीन मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो एक तीन बचा यहाँ पे, फिर प्लस बारह तीन चौके बारह, दोस्तों एक तीन यहाँ कॉमन पहले से ले चुके हैं, तो क्या बचा चार, तो प्लस का चार। फिर दोस्तों मैं इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे, इसी तरह आगे करते 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 आपको तीस पे आते हैं दोस्तों। तो तीस का क्या होता है, तीस का मैंने बताया तीन गुना दस, तो तीन तो दोस्तों कॉमन मैंने ले लिया, तो क्या बचा दस, ये दस मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट बंद। दोस्तों सेकेंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ा था सेम वही वाला सिस्टम आ गया, क्या तीन कॉमन बाहर, वन टू थ्री फोर, ये रेगुलर फॉर्म में आ गया, वन टू थ्री फोर क्रमागत जिसे हम बोलते हैं, इस फॉर्म में आ गया। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, आपको याद होगा दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो से इसी सूत्र से स्टार्ट करा था। तो ये सूत्र लगाए हम इसमें, तो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू,
यहाँ सम विषम की कोई बात नहीं हो रही है, सिंपल संख्या दिया है, तो ये लास्ट वाला एन होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है तो आप मेरा फर्स्ट सेकेंड वीडियो से देखना शुरू करिए। अब देखिए दोस्तों, तीन ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, 1, 2 + 3, 3, ऐसे करते करते n तक आया। n मुझे मिल गया, तो n इंटू एन प्लस वन, एन कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, अपॉन का 2, ये रहा 2। सूत्र पे इस सूत्र पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या बचा, 3, इसको 10 इंटू 11 अपॉन 2, दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, इस 2 से इसको 5 बार में काट सकते हैं, तो क्या बचा 3 ब्रैकेट, ये 5 55, तो आपको हो जाएगा 55 × 11। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में, सॉरी ये 55 ही 5 होगा, मैं यहाँ गलत कर गया, वो डायरेक्ट मैंने जो है इसको भी गुना कर दिया, तो 2 से 2 5 5, और इस 5 को यानी 5 × 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये ब्रैकेट जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का निशान लग जाता है, आपको इतना पता होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 55। दोस्तों अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 55, 5 × 15, 5 × 15 116। तो दोस्तों कितना आया 165, यानी कि आप 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि 3 के पहाड़े 10 तक पढ़ेंगे आप, तो 10 तक अगर 3 के पहाड़े पढ़ें तो उन टोटल का जोड़ कितना होगा 165, ये हो गया दोस्तों आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा, सिर्फ यहां तक समझने वाली बात है दोस्तों, इसके आगे तो मैंने हम लोगों ने पहले कर ही चुका है, तो समझने वाली तो सिर्फ यहां तक ही है, ये मैंने पहले भी कर चुका है हम लोगों ने, बस ये लैंग्वेज भी लिख दिया है तो थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हमने छठा क्वेश्चन करा, सेम उसी पैटर्न पर ये सातवां क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों यहां भी वही बात उन्होंने कहा है, 6 के प्रथम, ये सब भी आप ध्यान रखिए दोस्तों, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग, 18 गुणज यानी कि 6 को 1 से बारी बारी 1 से 18 तक गुना करना है, जैसे 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, फिर 6 × 3 = 18, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा मल्टीप्लाई में, इसी तरह ये 4 यहाँ पे 4 5 6 7 करते करते कहाँ तक 18 तक, 18 गुणज बोला है दोस्तों, तो 18 तक, ये 6 होगा, ये 18 होगा, और इसको जब गुना करेंगे तो आपको दोस्तों 48 6 108, 18 × 6 108 दोस्तों ये आपका आएगा। तो दोस्तों ये 108 आया, तो यानी कि दोस्तों 6 का गुणज, यानी कि 6 × 6 = 12 + 6 × 18 + 6 = 24, फिर 6 × 5 = 30 दोस्तों, इसी तरह 6 × 5 = 30, यानी कि 6 × 5 करें तो 30, इसी तरह आगे करते करते कहां तक दोस्तों 18 का गुणज, यानी 18 तक मुझे करना है, तो ये 18 × 6 आएगा, तो कितना 108। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो इतना क्वेश्चन यहां तक मैंने करा। इसके बाद दोस्तों फिर वही फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में ला सकते हैं, या तो आप इसको 2 फॉर्मेट में कर सकते हैं, या तो सम संख्या वाला फॉर्मेट 6 × 6 = 12, लेकिन यहाँ दोस्तों 6 के बाद 8 भी आता है, तो सॉरी सम संख्या वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा, तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो मैंने पहले देखा गुणज की बात हो रही है, तो 6 × 1 ये था, ये 6 × 2 था, ये 6 × 3 था, ये 6 × 4 था, इसी तरह आगे करते करते 6 × 18 तक है, तो दोस्तों इसको ऐसे भी ले सकते हैं 6 × 18 यहाँ तक है। तो दोस्तों सब में 6 कॉमन है, ये देखिए सब में 6 कॉमन है, और मुझे एक संख्या क्रम से मिल गई 1 2 3 4 5, इसी तरह करते करते कहाँ तक 18 तक। तो दोस्तों 6 कॉमन ले लेंगे, 1 6 में से 6 कॉमन ले लिए, इंटू 1 1 बचा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया, 12 में से 2 गुणनखंड में तोड़े, 6 × 12, तो 6 तो कॉमन ले लिए, क्या बचा 2, तो प्लस का 2, फिर प्लस का निशान है प्लस, 18 6 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 3,
दोस्तों इसी तरह आगे आप करते जाएंगे, करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, 108 तक। 108 कैसे आया, 6 गुना 18 से, और इसमें से 6 महीने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा दोस्तों ये 18, तो मैं यहाँ पे 18 लिख दूंगा। अब दोस्तों क्या बचा, देखिए पिछले वाला फॉर्मेट 1+2+3 वाला फॉर्मेट आ गया और ये 6 कॉमन आ गया। तो दोस्तों इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, वो देख लीजिए, एन इंटू एन प्लस 1/2। क्या करें इसे दोस्तों, 6 ऐसे उतार लें, इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करें, अप्लाई करें एन। एन क्या होगा दोस्तों, मैंने कहा था जब इस फॉर्म में संख्या आ जाती है तो ये लास्ट वाला एन होता है, तो एन 18 प्लस 1/2 क्या होगा दोस्तों, 2। ये 6 इसी तरह रहेगा, यहाँ 18 गुना 18+1 19/2। अब इसको 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में 9 × 2 = 18 होता है, तो ये 9 19 यानी 6 मल्टी, ये इसको हटाएंगे दोस्तों मल्टीप्लाई का निशान आता है, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई 9 इंटू इंटू कितना 19। जब आपको आप इसको सॉरी हाँ लिख दे रहा हूँ ठीक से 19। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो पहले आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 नवा इसको आप इससे करिए तो आपको कितना आएगा, 19 नवा 81 9 171, 19 नवा 171 और गुना 6 आप करेंगे। पहले दोस्तों किसी को भी 2 को गुना कर लीजिए, मैंने इसको इसको गुना करा तो ये दोनों को 171 19 नवा 171 19 दहाई 190 होता है, तो 171 मैंने लिख लिया, और फिर चूंकि इस दोनों को मैंने गुना किया था इतना लिख लिया, ये 6 बचा। अब 6 को गुना कर दूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों, इस 6 को इसे मल्टीप्लाई गुना करूँ, 6 इसे 66 36 7 42 हाथ में रहा 4 6 4 10 ये रहा इतना, तो दोस्तों 10 26 ये आपका क्या हो गया आंसर, 10 26 इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, 10 26 दोस्तों ये इसका हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो ये नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में दोस्तों टाइप 1 एक तरीके समझ लीजिए, नंबर सिस्टम में टाइप 1 प्राकृतिक संख्याओं के योग में ये 5वां लेक्चर था हमारा दोस्तों, तो मैं यहाँ तक ये 1 वाला पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का शुरू करेंगे, तो ओके थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।